जानकारी नहीं दी तो FIR। कलेक्टर यूजी खान ने लिया एक महत्वपूर्ण फैसला। कुछ देर में ही कलेक्टर यूजी खान जारी करेंगे इस संदर्भ में आदेश। 7 अप्रैल तक नहीं दी अधिकारियों को जानकारी तो कानूनी कार्यवाही और FIR दर्ज करवाई जाएगी। जिले के बाहर से आया हर व्यक्ति खुद देगा जानकारी। 7 अप्रैल के बाद बिना जानकारी के मिला तो कार्यवाही। साथ ही दोनों CMHO के जिम्मे किए 4-4 ब्लॉक। डॉक्टर प्रताप सिंह धूतड़ को मलसीसर, झुंझुनू, उदयपुर वाटी व नवलगढ़ की जिम्मेदारी, जबकि डॉक्टर CL गुर्जर को खेतड़ी, सूरजगढ़, बुहाना व चिड़ावा की जिम्मेदारी। तो बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि कई लोग ये अपनी यात्रा को छिपा रहे हैं और इससे कई मामले भी सामने आए हैं, मामले बड़े हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहर से आए लोगों ने जानकारी नहीं दी तो FIR। कलेक्टर यूडी खान ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस फैसले का कितना असर होगा और कितने लोग जानकारी देने सामने आएंगे और प्रशासन कितने लोगों को की असलियत भी सामने लेकर आएगी। कानूनी कार्यवाही और FIR दर्ज कराई जाएगी अगर सही जानकारी नहीं दी गई तो। जिले के बाहर से आया हर व्यक्ति खुद देगा जानकारी, ये सुनिश्चित करने की कोशिश। 7 अप्रैल के बाद कोई बिना जानकारी के मिला तो कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही दोनों CMHO के जिम्मे 4-4 ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि जो जिम्मेदारी है वो बटी रही। डॉक्टर प्रताप सिंह धूतड़ को मलिसर, झुंझुनू की जिम्मेदारी, जबकि डॉक्टर CL गुर्जर को खेतड़ी, सूरजगढ़, बुहाना और चिड़ावा की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, ऐसे कई मामले शुरुआत से ही सामने में आए कि लोगों ने अपनी जो यात्रा थी वो छिपाई। कई लोग ऐसे थे जो विदेशों से आकर भी बिल्कुल चुप थे और अचानक उनकी खबर ये सामने आई कि उनको ये कोरोना है। और रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रणवीर, यूजी खान ने बड़ा फैसला लिया है, क्या लगता है इस फैसले का क्या असर होने वाला है आने वाले समय में? जी कुछ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यूडी खान ने आज तत्परता दिखाते हुए जिले से कल से कल शाम तक अगर जिले से बाहर से आए हुए लोगों ने सूचना नहीं दी है प्रशासन को तो उसमें FIR दर्ज कराएंगे। सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अपने जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए सख्त आदेश देते हुए कहा है कि जो भी कल तक CMHO साहब को या फिर ब्लॉक अधिकारियों को या SDM साहब को नहीं बताएंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कि जो दोनों दो CMHO लगा रखे थे, प्रताप सिंह धूतड़ और छोटे लाल गुजर को, उनको भी 4-4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। उनको जिम्मेदारी की दी गई है कि आप ऑफिस में ना बैठें, ऑफिस में ना बैठकर आप बाहर जाके फील्ड में सर्वे का काम पूरा करें। जी खुशबू, रणवीर कहीं ना कहीं जो ये जो फैसला लिया गया है वो किसको देखते हुए लिया गया है? देखिए, क्योंकि 7 अप्रैल तक अब अगर जानकारी नहीं दी गई तो फैसला लिया जाएगा, उनपे FIR किया जाएगा, 4-4 ब्लॉक भी बांट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा रणवीर? अब मैं आपको खुशबू बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जमाती वाले लोग हैं वे छुप रहे हैं, ये अपने एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, घर पे कल शाम तक। रणवीर आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यूडी खान खुद जुड़ गए हैं, जिला कलेक्टर झुंझुनू। बहुत बहुत स्वागत सर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। सर, जो आपने ये फैसला लिया है वो क्यों लिया है और क्या लगता है आपको इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में? खुशबू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू जिले में 10,000 से ज्यादा लोग बाहर से आए हुए हैं और मैक्सिमम लोगों ने हमें रजिस्टर करवा लिया है, हमें बता दिया है, हमारी जो टीमें हैं उनको बता दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जिले से आ रहे हैं, चाहे वो विदेश से हो, चाहे मरकज से हो, चाहे अन्य जिलों से हो, चाहे भीलवाड़ा से हो, जो अफेक्टेड जगह है वहां से आके चुपचाप बैठने की संभावना से इनकार नहीं किया सर जा सकता। ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और उनको आदेश भी दे रहे हैं कि वो अपनी उपस्थिति उजागर करें हमारे SDM के पास, हमारे ब्लॉक CMHO के पास और हमारे तहसीलदार के पास और अपना मेडिकल चेकअप करवा लें, जिससे कि जो हमारे रियल केसेस की जानकारी हो सके और हम आगे कोर्स ऑफ एक्शन ले सके। सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है वो कुछ लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे हैं इसलिए लिया गया है और लोगों की जिंदगी को वो खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी का एहसास कराना प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। वैसे झुंझुनू जिला रिस्पॉन्सिबल और संवेदनशील जिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने आप को छिपा के या अभी भी अपने आप को प्रशासन के सामने मेडिकल चेकअप के लिए नहीं आए हों, तो ऐसे लोगों को हम आगाह और आदेशित करते हैं कि वो बाहर आए और मेडिकल ऑफिसर के सामने या टीम के सामने उपस्थित हों और बताएं कि मैं फला फला जगह से आया हूं और मेरा मेडिकल चेकअप कीजिए। जी बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा और ये भी था कि आपने 4-4 ब्लॉक में भी बांट दिया है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जब बटेगी तो नजर ज्यादा रखी जा सकेगी।
आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अलग अलग ब्लॉक में चार चार ब्लॉक में दो अधिकारी सीनियर अधिकारी लगा लिए हैं और आज से हमारा दोबारा जिले का सर्वे जारी है, मेडिकल सर्वे। तो उस सर्वे के दौरान तीखी नजर रखें, लोगों को प्रोत्साहित करें और जो डॉक्टर्स फील्ड में लगे हों उनको भी फील्ड में उतारें। इसलिए पाबंद करने के लिए इन दोनों सीनियर डॉक्टर्स को हमने जो सीएमएचओज हैं उनको पाबंद किया है कि वो जिलों में वो अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अच्छे से सर्वे करवाएं। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार की स्थिति देश में हम देख रहे हैं, खास करके राजस्थान की अगर बात करें, तो लगातार कड़े कदम उठाए गए हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर आप जैसे जो जिला कलेक्टर है वो काफी ज्यादा इन चीजों पर कमांड रख रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ये बात माननी पड़ेगी, जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से आगे और भी कड़े कदम उठा सकते हैं आप लोग स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे यहाँ शुरू से हमने कड़ा रुख रखा है, लेकिन चुप चुप के रास्तों से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी पहचान करना भी जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को पुनः आगे कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और जरूरत पड़े तो एक एक घर में व्यक्तियों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को भेज के हम अपने सर्वे करेंगे और उनको पकड़ के और उनके खिलाफ FIR या अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़े हुए थे और साथ ही जिला कलेक्टर यूडी खान भी जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे अगर इस तरह के मामले सामने आए तो हम एक एक जिम्मेदार व्यक्ति को एक एक घर में भेजकर चेक करवाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे अगर ऐसा करना पड़ा तो। और कहीं ना कहीं यही बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इसलिए जिम्मेदारी आप अपनी भी समझे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है, आप अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। चलिए बात